ये क्लैंप है आपका जो आपकी बाइक में स्पार्क प्लग में लगेगा, इस तरह से स्पार्क प्लग आपका इंसर्ट हो जाएगा और आपका दूसरा सिरा जो है वो आपका मशीन की आरपीएम में जाएगा। ये आपकी स्टीयरिंग प्रोब है, इसमें आपका इस तरह से आप इसको ओपन कर लेंगे, इसमें एक स्प्रिंग होती है और एक पेपर फिल्टर होता है जो हमारे जो भी डस्ट आता है उसको फिल्टर करता है। इसके आपको दो स्पेयर पार्ट मिलेंगे, अगर किसी वजह से चोक हो जाता है तो आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। इसका जो होल वाला सिरा है वो इसमें ऐसे पड़ेगा और इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंग लगी हुई होगी, इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। इसमें आपके दो सिरे होते हैं, एक ये और एक ये वाला सिरा आपका जो मशीन से पाइप आई होगी वो यहाँ इंसर्ट होगी और आपका ये दूसरा सिरा इसमें जो टिप लगी होती है ये आप बाइक के साइलेंसर में डालेंगे। इधर कैमरे में ये आपकी पाइप है जो एक हिस्सा इसका, एक सिरा इसका एक सिरा आपका इसमें लगेगा और दूसरा सिरा आपका मशीन में लगेगा। इसी के बीच आपका ये एक्सटर्नल फिल्टर लगेगा, जो प्रोब में पेपर फिल्टर लगा है वो एक सिंगल फिल्टर करता है, उसके बाद ये फिल्टर लगाएंगे, ये और का डस्ट फिल्टर करने के लिए होता है। एक इसको पाइप को कट करके एक सिरा आउट पे जाएगा, एक सिरा इन पे जाएगा, इन वाला सिरा मशीन में लगेगा, आउट वाला सिरा मशीन से जाके प्रोब में लगेगा। ये आपकी बैटरी लीड है, ये सिरा आपका मशीन में लगेगा और ये आपका बैटरी में लगेगी, ये बैटरी प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में इस तरह से। ये आपकी RS232 लीड है, ये आपकी लीड मशीन में लगेगा और दूसरा सिरा आपका सीपी में जाएगा। और ये आपकी सप्लाई लीड है, एक हिस्सा आपका पावर कॉर्ड में जाएगा, दूसरा सिरा आपका मशीन में जाएगा। ये आपकी मशीन है, ये मशीन का बैक है, इसमें ये यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज लगेगा, साथ में यहाँ पे आपके फ्यूज लगे होंगे, ये फ्यूज है आपका 1 एम्पियर का, ये आपका यूज में आता है और ये आपका एक्स्ट्रा में रहता है। इन केस हमारा फ्यूज ओपन हो जाता है तो हम ये फ्यूज इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, इसको फेंक देंगे और ये आपका फ्यूज इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका फ्यूज होता है, ये बैटरी के लिए फ्यूज है जो आपका 7 एम्पियर का होगा, इसको आप मैनुअली इस तरह से लगा देंगे। ये आपका आरपीएम पोर्शन है, जो हमने आपको आरपीएम लीड दिखाई थी वो आप इसका वो वाला हिस्सा यहाँ इंसर्ट होगा। ये आपकी RS232 लीड है जो आपकी यहाँ इंसर्ट होगी इस तरह से। ये आपकी पावर सप्लाई लीड है जो आपकी यहाँ इंसर्ट होगी इस तरह से। ये आपकी बैटरी लीड है जो आपकी यहाँ पे इंसर्ट होगी इस तरह से। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है जो आपको एसी से ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका फैन है कूलिंग के लिए, ये आपका प्रिंटर पार्ट है, अगर आपको प्रिंटर की जरूरत है तो आप यहाँ पे प्रिंट
का सीधे सॉकेट लगा के यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज़ करेंगे बैटरी सप्लाई तो हम पावर सप्लाई को हटा देंगे, अगर बैटरी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो हम बैटरी को हटा देंगे। और अगर हम पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो हम बैटरी लीड हटा देंगे। बाकी ये प्रोब है जो इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाएगी। और ये इसका ये दूसरा सिरा आपका इस तरह से आउट में लग जाएगा। एक्सटर्नल फिल्टर है इसमें, मशीन से जो पाइप आएगी वो आपका आउट में इंसर्ट होगी और इनसे जो पाइप निकलेगी वो आपकी प्रोब में इंसर्ट होगी। अब हम मशीन ऑन करेंगे। मशीन में पीछे बटन ऑन कर दिया, ये डेट मंथ ईयर टाइम समय आवर मिनट और सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड लीकेज टेस्ट आएगी। लीक टेस्ट में इस तरह से प्रोब का सिरा बंद रहना चाहिए। और ये आपकी रीडिंग 1445 समथिंग आ रही है। अब जब यहाँ पे हमारा पास लिख के आ जाएगा तो ये हमारा लीक टेस्ट पास हो जाएगा। अब लीक लो फ्लो टेस्ट के लिए इसकी प्रोब ओपन कर दीजिए। और ये हमारा लो फ्लो टेस्ट पास। लो फ्लो टेस्ट पास होने इसको ऐसे नॉर्मली रखते हैं। उसके बाद ये आपका हीट अप आ रहा है, जो आपकी गैस बेंच है वो हीट हो रही है। इसमें कुछ टाइम लगता है, लैपटॉप अंदर में
ये आपका ऑटो जीरो पे आ गया, आपकी डैशबैंड सीटअप हो गई, अभी आप ऑटो जीरो है, सारी रीडिंग जीरो हो गई। अब उसके बाद अब आपका मशीन स्टार्ट हो गई, ये आपका 80 वेस्ट है, ये आपका मशीन है रिलैक्स मोड में आ गई। इसको आपको चेक करने के लिए पंप बटन दबाना पड़ेगा इस तरह, ये आपका आरपीएन आ गया है। यहाँ पे आप जब ये आरपीएन लिख के आ जाएगा, यहाँ पे सारी रीडिंग जीरो होगी, तो आप इस प्रोब को, ओपन प्रोब को आप बाइक के साइलेंसर में डालेंगे। जब आप बाइक के साइलेंसर में डालेंगे तो इस तरीके से रीडिंग आएगी, ये आपकी सीओ की वैल्यू होगी। और ये आपकी 80 की वैल्यू होगी।